दोस्त अभी उस प्लेस में मैं आ चुका हूँ, आप ये देख सकते हो ये प्लेस कितना मस्त है, एकदम खाली प्लेस है। और यहाँ पे जो गाँव है, गाँव के जो जानवर है चरने के लिए छूट दिए गए। एक्चुअल में पिछले टाइम आया ना तो दोस्तों ये जो टापू है ना, ये टापू पूरी पानी के अंदर था, मतलब यहाँ से पानी था, ये तो पूरा खाली था। जब मुझे उस साइड जाना था तो ये जो गाय जा रहे हैं ना उससे भी पहले वहाँ से रोड था, मतलब यहाँ तक पानी था। तो अभी देखो समर में इतना पानी नीचे जा चुका है, इतना खाली हो चुका है ये एरिया। और वहाँ पे मुझे कुछ हलचल दिख रही है वहाँ पे, तो अभी वहाँ तक जाने का अपन कोशिश करेंगे। और उस साइड अगर देखो तो कुछ जानवर है, कुछ विलेज वाले हैं, और ना इस साइड में जा सकते हैं, देखते हैं अभी कोई लोग हो गए, अपन ऐसा ऐसा राउंड मारते हैं किनारे किनारे से, देखते हैं कहाँ तक अपन जा पाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये प्लेस आपको कैसा लगा। तो दोस्तों कभी आपने डैम को इतना नज़दीक से देखा है? आप देख सकते हो मेरे पीछे का ये नज़ारा। अरे बर्गी का भाई एकदम क्लोज वाला शॉट है डैम में। तो कैसा रहा दोस्तों आज का आपको जो बर्गी का जो एक्चुअल में बर्गी डैम बहुत बड़ा है। एक्चुअली ये साइड मेरे पीछे की जो साइड आपको दिख रही है, यहाँ से अगर आप सीधा स्ट्रेट चले जाओगे तो आपका बर्गी का जो मेन वॉल है वो लगेगा, लेकिन यहाँ से तकरीबन वो कम से कम एक 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा अंदर, बहुत दूर है। और मैं जो आया हूँ बहुत अलग प्लेस पे आया हूँ, लेकिन बर्गी का जो स्टोरेज है आप देख सकते हो डैम का। और यहाँ पे देखो ये अभी जितने पहाड़ है, ये पहाड़ों के बीच में से ये स्टोरेज बढ़ता है। आगे जो पहाड़ दिख रहा है इसको अगर पार करो तो सेम ऐसे आपको फिर वो ऐसे लंबा लंबा निकलता जाएगा। अभी तो पानी बहुत कम हो चुका है और मिट्टी भी आपने मजे ले रहा है बीच के। देखो इसने पाँव गंदे कर दिए, इसने पाँव तो गंदे कर दिए। चलो अंदर, चलो अंदर आ जा, उसको मज़ा आ रहा है खेलने में, खेलने दो अभी, क्या करें बच्चा है। अभी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या है, जो पानी के अंदर रहने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फिश होते हैं, वो किनारे पे आके जो मरते हैं उसका जो स्मेल है उसको आ रहा है, इसलिए वो एकदम पगला गया है। अब उसको लग रहा है कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, अब वो दौड़ता ही जा रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक जाएगा। और भाई ये जो पीछे का जो आप पहाड़ देख रहे हो, एक्चुअली ये जब मैं आया था तो ये खुला नहीं था, तो ये जो जहाँ से आपको कटिंग दिख रही है ना, ये कटिंग के पास पानी इसका लेवल रहता है। तो इस कटिंग का लेवल मतलब आप समझ लो कि ये जो सामने पहाड़ जो दिख रहे हैं ये वाले, ये जो लाइन रहती है ये तकरीबन आधी डूबी हुई रहती है लाइन, इतना यहाँ पे पानी रहता है। और अभी इतना पानी अपना डैम का पानी जो है समर में इतना खाली हो चुका है। अबे तू क्या कर रहा है भाई उसके साथ, निपटे क्या है वो, काय दे काय दे, जाळी जाळी पुढे घेऊन चाललं ती जाळी, चल इकडे चल, धर धर चल धर चल, उसको जाळी मिल गई अभी खेलने के लिए, अब उसी के पीछे लग गया वो। चलो अभी दोनों लेके जा रहे हैं हम जाली को, हम दोनों जाली को लेके अभी फिश पकड़ने के लिए जा रहे हैं पानी के अंदर। नित्य और मैं जाली डाल के बस आज मिट्टी के लिए फिश पकड़ेंगे। चल
और यहाँ तक भाई गाड़ियाँ आई हुई, लोगों ने यहाँ तक गाड़ियाँ लाई है। मंजिल तो रही ढूंढ लेते हैं इस मगर को जाते हैं। आ जाइए इधर बाबू, आ जाइए इधर मट्टू, चले अंदर चल, चले चल, चले पकड़, चल चले चले। उसको मिल गया फिश भाई, फिश मिल गया उसको, अब पगला हो गया वो फिश के। देखो उसने फिश पकड़ ही लिया लास्ट में, चल वो फिश के चक्कर में पानी में चला जाएगा। आ जाओ आ जाओ, मिट्टी को मिल गया भाई फिश। आ जाओ इधर, उसको मिला है बड़ा सा फिश, अभी वो फिश को छोड़ेगा नहीं। तो फिश लेके घूम रहा है वो अभी, चलो अभी बर्गी में आते ही निप्टी को मिला फिश। हाय ए ए निप्टी निप्टी मादर चौत, सिट सिट सेट सिट, गुड बाय गुड बाय गुड बाय, इट 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 सेट सेट निप्टी सेट सेट निप्टी सेट सेट नहीं सेट सेट। इधर देखो स्नेक का, ऐसी जगहों पे स्नेक बहुत ज्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए। और निप्टी ने अभी तकरीबन वो फिश को समाप्त कर चुका है। निप्टी कच्चा फिश वो फर्स्ट टाइम खा रहा है इसलिए थोड़ा उसको अजस्ट लग रहा है।
इसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है खेलने में। वो ना कब से पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा फ्री ही नहीं छोड़ रहा हूँ। अभी वहाँ पे कुछ लोग हैं ना, वो लोग जब चले जाएंगे ना तो इसको पूरा एक राउंड मारता। अभी चल इधर, ए निपटी निपटी, चल चल कुछ जला दिखड़ा, चल मुर्खा चल। दोस्तों ये एक्चुअल माँ नर्मदा का जो पवित्र रिवर है उसके ऊपर ये बांध बना हुआ है, और ये बहुत ही जबलपुर का प्रसिद्ध बांध है, बरगी नाम से ये जाना जाता है। और इसका स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल आगे अगर इस साइड से अगर आप नीचे नीचे चले जाओगे तो आगे सीधा मंडला आ जाता है, तो ये मंडला की ओर निकलता है सीधा। मैं गॉगल पहन ही लेता, मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ। और निपटी भाई आज फुल एकदम आनंद ले रहे हैं, हर चीज़ों का एकदम आनंद ले रहे। मिट्टी को आज बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, पानी का पूरा मज़ा ले रहा है। और उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ छोड़ूंगा भी। ये किधर जा रहा है विदु? एक्चुअल कुछ महाराष्ट्र के भी लोग हो गए तो थोड़ा भी मैं उनके लिए मराठी में चीज़ समझा देता। एक्चुअल मैं कहाँ पे आया हूँ तो मित्रांनो, ये जे समोरचं तुम्हाला जे पाणी दिसतंय, ॲक्च्युअल हे जे एक अफाट असं एक डॅम आहे इथं, याला बरगी डॅम म्हणतात, आणि हा प्रसिद्ध जबलपूरचा प्रसिद्ध डॅम आहे। जसं की तुम्ही मा नर्मदेच्या परिक्रमा करतात, तर परिक्रमा ज्या टायमाला करतात तर ते परिक्रमा इथून स्टार्ट होतात, आणि जे सिटीमध्ये जबलपूर सिटीमध्ये जे गौरीघाट आहे तर गौरीघाटपासून त्या परिक्रमा वगैरे आपण तिथून स्टार्ट करत असतो त्या। तर हा डॅम पण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे, तर या डॅमची पण एक परिक्रमा होत असते त्याचबरोबर। तर हा पूर्णपणे मा नर्मदेचा पाण्याचा स्रोत आहे, आणि इथून एक 10 किलोमीटर जर दूर गेले मागच्या साईडला तर तिकडं पुढं 10 किलोमीटर दूर डॅम आहे। आणि हे पाण्याचं जेवढा जे तुम्हाला जे थोप दिसतो हे पाणी ॲक्च्युअल खूप कमी झालं आहे। माझ्या मागची जी तुम्हाला जे टेकडी दिसते, या टेकडीचा जे वरचा भाग आहे याच्या लेवलला पाणी असतं, आणि मी आता एवढ्या खाली बसलो आहे बघा। तर पाण्याचा आता उन्हाळ्याचा हे तरी पण एवढं अफाट पाणी आहे याच्यामध्ये, आणि हा जो थोप आहे हा थोप इथून 10 किलोमीटर पुढं डॅमची भिंत आहे, पण डॅम इथपर्यंत नाही थांबत। इथून हा डॅम सरळ सरळ खाली जातो, आणि खाली जवळपास एक तरी पण नाही काही म्हणलं तर 10-20 किलोमीटर अजून थोडासा दूर जाऊन एक म्हणजे जे काय म्हणतो आपण एक त्याला जे अमरकंटक आहे, जिथून या नदीचा उगम होतो, मा नर्मदेचा उगम होतो, त्याच्या थोडं थोडं जवळ जाऊन मग तो स्टॉप होतो, आणि मग तिथून ती एक रिव्हरला स्टार्ट होते। तर एवढं खूप हे मोठं आफाट पात्र आहे पाण्याचं, आणि सूर्यदेवताचं सकाळपासून आपल्याला दर्शन नव्हतं झालं, त्याचप्रमाणे सूर्यदेवता आज आलेले आहे। आणि मी आज माझ्यासोबत माझा जो साथी आहे निपटी त्याला पण घेऊन आलो होतो, त्यांनी पण आज मा नर्मदेचं पाण्यामध्ये खूप मस्ती केली, त्याला खूप इन्जॉय केलं, त्यांनी खूप छान वाटलं। तर तुम्हाला पण हा ब्लॉग कसा वाटला लाईक करा, शेअर करा, आणि नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला असं जबलपूरची जी व्हिडिओ आहे, मा नर्मदेचं जे तट आहे, मा नर्मदेचे अनेक सुंदर सुंदर प्लेस या भागामध्ये आहे, तर त्या सगळे मी हळूहळू तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेन। त्यामुळे तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, कारण की नवीन व्हिडिओ जे टायमाला माझे मी पोस्ट करणार यूट्यूबवर त्या टायमाला ती नक्कीच तुम्हाला पाहायला भेटेल। व्हिडिओ चांगला वाटला तुम्हाला तर मला एक थोडासा सपोर्ट करा, कमेंट करत जा,
मला काही पैशांची कोण तुमच्याकडून अपेक्षा नाही की तुम्ही मला पैसे द्या म्हणून. पैशाचा आपल्याला कुठलाही सपोर्ट नको आहे कोणाकडून, ठीक आहे. भगवानने दिया हो सब कुछ आपने पास. तब्येत थोडी बस ठीक नाही आहे. और सेकंड चीज आहे की आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट इन द सेंस की लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो. और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करा, जेणेकरून हा वीडियो तुम्हाला सर्वांना पाहायला भेटणार. आपल्या ग्रुप मध्ये पण पाठवा. आणि बघा इथे सुंदर असे बर्ड्स पण आहेत. आता इथे एक माझे समोर एक बर्ड्स आहे, इथे ते तैरू राहिलं इथं समोर डुबलं पाण्यामध्ये. असे खूप इथे सुंदर सुंदर पक्षी पण आहे. आणि निपटी आता एकदम गिला झाला होता, त्याला सुकला, आता त्यांनी स्वतःला ड्राय करून घेतला एकदम. कवा धरून पाण्यामध्ये खेळत होता. आता मी त्याला घेऊन जाणार आहे खालच्या भागामध्ये. आम्हाला आता ह्या भागामध्ये जायचं आहे, ठीक आहे. आता मी तयारी करतो पुढची, ठीक आहे. आता मी इथून जाण्याची तयारी करतो. तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ. अभी आगे का जो वीडियो है वो आपको दिखाई देगा. आगे एक छोटा सा विलेज है, विलेज में से अपन जाएंगे. आगे एक और अच्छा प्लेस है, देखते हैं अगर वो मौका मिले तो उस प्लेस में जाने की कोशिश करेंगे. अदरवाइज यहाँ से मुझे आगे की तरफ भी एक छोटा विलेज है और वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्लेस है. तो अगर वहाँ पे नहीं गए तो इस साइड में ज़रूर लेके जाऊँगा. लेकिन बरगी डैम पता नहीं, अगर यहाँ से मुझे पॉसिबल हुआ जल्दी मैं निकला तो आपको डैम का भी नज़र आज मैं दिखा देता. क्योंकि जो महाराष्ट्र के मेजर महाराष्ट्र के जो मेरे व्यूवर्स है उनको भी आज बरगी डैम दिखा दूंगा. जो माँ नर्मदा का जो तट पे बंधा हुआ जो बांध है, बड़ा पवित्र माँ नर्मदा का पानी रहता है तो उस पर ये बांधा हुआ बांध है. तो इसके भी दर्शन वीडियो के माध्यम से सबको हो जाएंगे. तो बोलो हर हर नर्मदे.